शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन कमजोरी दर्ज की गई और निफ्टी 0.79% फिसलकर बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स सुबह के कारोबार में 143 अंक कमजोर खुला था। शुक्रवार के कारोबार में कई स्मॉल कैप शेयरों ने दिन के निचले सतर से शानदार रिकवरी दर्ज की है। इस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार के कारोबार में इन शेयरों में खासी तेजी दर्ज की जा सकती है और ये शेयर आपकी पूंजी को बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। इन शेयरों में अशोक लीलैंड, शेलेट, देवी केमिकल एंड फार्मा, PCBL और रिलैक्सो जैसी कंपनियों के शेयर शामिल है। ग्लोबल संकेत सही नहीं होने की वजह से शेयर बाजार शुरुआत से ही कमजोर थे। दिन भर निफ्टी के कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहा और बीच बीच में इसे कई बड़े झटके लगते रहे। निफ्टी ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 17,487 का निचला सतर देखा, लेकिन कारोबार की संपत्ति पर निचले सतर से 130 अंक की रिकवरी दर्ज की। निफ्टी इंडेक्स के अंदरूनी चीजों की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार में काफी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिड कैप 2.39% गिर गया, जबकि स्मॉल कैप 2.28% गिर गया। उतार चढ़ाव का असर इंडिया की VIX पर भी देखा गया और यह साथ ही चढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लगातार वीडियोस, न्यूज़ से अपडेट आपको रखा जाएगा।